इस बीच रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन ने नेटो पर यूक्रेन जंग में शामिल होने का आरोप लगा दिया। इससे पहले भी वो पश्चिमी देशों पर जंग में शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने अपना गुस्सा नेटो पर उतारा। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन ने नेटो देशों पर रूस को तोड़ने की साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। असल में इस जंग में पश्चिमी देशों के साथ नेटो के सदस्य देश भी यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं। पश्चिमी देशों को तो पुतिन कई बार अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नेटो को ही चेतावनी दे डाली। बताया गया कि पुतिन ने साफ कह दिया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करना जंग में शामिल होने के बराबर है। और खबर है कि इसीलिए अब पुतिन नेटो को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए। पिछले हफ्ते ही उन्होंने न्यू स्टार्ट संधि से भी अलग होने का ऐलान किया था, जिसका सीधा ताल्लुक परमाणु हथियारों और उनके इस्तेमाल से है। न्यू स्टार्ट संधि पर रूस और अमेरिका ने 2010 में हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद परमाणु हथियार बनाने की रेस को रोकना था, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के साथ बढ़े तनाव की वजह से रूस ने इस संधि से अलग होने का फैसला किया, जिसकी वजह से अब रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन ने यह भी ऐलान किया है कि वो यूक्रेन जंग में अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 2700 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कर्नाटक दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले शिवमोग्गा पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर बने यात्री टर्मिनल भवन को कमल के फूल के आकार का बनाया गया है। इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोग्गा में रेल और सड़क से जुड़े कई दूसरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। इसके बाद वो बेलगावी पहुंचे, जहां उनके रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने दावा किया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार मुहैया कराने के तरीकों पर काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था, लेकिन चीन ने इस तरह के आरोपों को गलत बताया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि चीन जंग में रूस की मदद नहीं कर रहा। लेकिन अमेरिका बार बार ये बात दोहरा रहा है कि शी जिनपिंग पुतिन को हथियार दे सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के बाद वहां की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने दावा किया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार दे सकता है और वो रूस को हथियार मुहैया कराने के तरीकों पर काम कर रहा है। हालांकि CIA चीफ ने ये साफ कर दिया कि उनके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया और पूरे आत्मविश्वास से चीन पर उंगली उठाई। यही नहीं, उन्हें शक है कि चीन अपने ऐसे ड्रोन रूस को देने वाला है जो केमिकल अटैक कर सकते हैं। और अगर उनका शक सही साबित हुआ तो यूक्रेन के शहरों में एक बार फिर वैसी ही तबाही हो सकती है जैसी पिछले साल ईरान के आत्मघाती ड्रोन से हुई थी। CIA चीफ का बयान ऐसे समय में आया जब चीन ने रूस को शांति की राह पर चलने की सलाह दी और उसके सामने 12 पॉइंट वाला एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में जिस बात ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था वो थी रूस और यूक्रेन को दुश्मनी भूलकर शांति वार्ता करने की सलाह, जिसके बाद लगा कि चीन ने तो फिर से पलटी मार ली। क्योंकि अमेरिका तो उसे इसीलिए कोस रहा है क्योंकि वो और रूस दोस्त हैं। बाइडेन एंड कंपनी को इसी वजह से लगता है कि शी जिनपिंग के जहरीले हथियार रूस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शी की सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि अमेरिका ये सारी बातें केवल मुंह से कह रहा है और कागज पर चीन के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है।